दोस्तों लोग जैसे भी आपकी वीडियो को सर्च करें, आपकी वीडियो सर्च में जानी चाहिए, उसके लिए ज़रूरी है कि आपको टैग्स लगाने पड़ेंगे। दोस्तों टैग्स लगाने से ये होता है कि हम मुख्तलिफ तरह के टैग्स लगा देते हैं, लोग जैसे भी सर्च करते हैं हमारी वीडियो सर्च में चली जाती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वीडियो बनाई है यूट्यूब से पैसे कमाने का तरीका, अब लोग सर्च कर रहे हैं यूट्यूब से पैसे कैसे कमाएं, तो दोनों मैच नहीं करेंगे तो आपकी वीडियो सर्च में नहीं जाएगी। जब आप टैग्स लगा देंगे YouTube से पैसे कमाने का तरीका और YouTube से पैसे कैसे कमाएं, तो इससे क्या होगा कि वो टैग्स और वो जो चीज़ सर्च कर रहे हैं वो दोनों मैच करेंगे और आपकी वीडियो सर्च में चली जाएगी। है ना कमाल की चीज़। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि टैग्स आपने कहाँ से तलाश करने हैं। दोस्तों वैसे तो तीन तरीके होते हैं जो मुझे पता है, हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी हों, लेकिन फ़िलहाल मुझे इन तीन तरीकों का पता है। इन में से एक सबसे आसान है और बहुत ज़्यादा अच्छा है, यानी कि आपका टाइम भी उसमें बच जाता है। वो आपको मैं बाद में बता देता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ जो कि सबसे पहला तरीका है। दोस्तों पहला तरीका तो मैंने बताया था कि आप YouTube खोलें, तो आप यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करें और टर्न ऑन इनकॉग्निटो पे दबाएं और यहाँ पे सर्च करें। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था ना कीमा और रेसिपी और कीमा बनाने का तरीका, इस तरह ये सारे आ जाते हैं। तो इस तरह आप यहाँ से एक एक उठा के आप अपनी वीडियो के टैग्स में लगा सकते हैं। एक तो ये तरीका है, ठीक है, यहाँ पर आप अपना टॉपिक सर्च कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा तरीका होता है गूगल कीवर्ड प्लानर का। वो बहुत ज़्यादा, मतलब कह लो कि एक मुश्किल सा तरीका मुझे लगता है, वो हो सकता है कि आपको आसान लगे। उसमें ये होता है कि आपने उसकी पहले आईडी बनानी पड़ती है, ठीक है, उसको लॉगिन करना पड़ता है, उसके बाद फिर वहाँ पे आपने एक लिखना होता है अपना टाइटल, फिर नीचे आपको सर्चेज बताता है, बीच बीच में से आपने फाइंड करने होते हैं कि कौन से लो सर्चेज हैं कौन से हाई हैं, अपनी मर्जी से ढूंढ ढूंढ के लगाने होते हैं। तो मैंने वो लगा के देखे हैं, इतना ज़्यादा नहीं रिस्पॉन्स आता, मतलब यहाँ से लगा लो वहाँ से लगा लो एक ही है। बाकी आपको अगर लगे तो वहाँ से लगा सकते हैं, उसकी कोई आप वीडियो देख लेना YouTube पे कीवर्ड प्लानर, ठीक है, गूगल कीवर्ड या गूगल एडवर्ड, तो वहाँ से मैं पहले लगाता था, अपनी मैं वहाँ से लगाता। अब तीसरा तरीका दोस्तों बताता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है, और वहाँ से टैग्स वो वाले मिलते हैं जो लोग सर्च कर रहे हैं और टॉप रैंक टैग्स। दोस्तों आपने क्रोम खोलना है और यहाँ पर सर्च करना है रैपिड टैग्स .io। क्या सर्च करना है? रैपिड टैग्स .io। तो जब ये आप सर्च करेंगे तो दोस्तों आपके सामने इस तरह का पेज आएगा, आपने ये रेड वाले पे दबा देना यूज टूल्स पे, और यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है जो भी आपका टॉपिक है। जैसे यूट्यूब पर व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, तो आप अपना टॉपिक सर्च कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये सर्च किया, तो ये जो यहाँ पर आ रहे हैं ये सारे क्या हैं? टैग्स हैं, लोग इस तरह सर्च कर रहे हैं। दोस्तों अब मैं कुकिंग का एक सर्च करके दिखा देता हूँ, क्योंकि कुकिंग के भी चैनल होते हैं, तो वो कहते हैं कि आप उसका भी थोड़ा बता दिया करें। तो जैसे कि मैं सर्च कर लेता हूँ, ये देखें कीमा रेसिपी, ये मैंने पहले सर्च किया है तो इसलिए मैंने ये सर्च किया। देखो दोस्तों मैंने क्यू से लिखा ना, लेकिन लोग के से सर्च कर रहे हैं। अब आप ये क्यू वाला डाल देते टाइटल में या सॉरी टैग्स में, तो क्या होता कि आपके कम चांस होने थे कि आपकी वीडियो सर्च में जाती, लेकिन ये टाइटल में डाल देते तो खैर है थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन ये टैग्स में आप ये उल्टे सीधे स्पेलिंग करके डालने चाहिए। जैसे ये यहाँ पर देखा है ना, लोग कैसे सर्च करें कीमा रेसिपी, आलू कीमा रेसिपी पाकिस्तानी, तो आपने अब इसको कॉपी कैसे करना है, यहाँ कॉपी पर दबाना है, ये हो जाएगा कॉपी, ये सारे कॉपी हो गए। अब इसको डालने के भी दो तरीके होते हैं दोस्तों, जो आपको आसान लगे आप उस तरीके से डाल सकते हैं। सबसे पहले हमने क्रोम दबाना है ऊपर। दोस्तों आप अगर यहाँ से वीडियो अपलोड करते हैं, तो मैं पहले कई बार बता चुका हूँ कि आपने यहाँ से पहले YouTube खोलना है और अपनी जो YouTube की आईडी है यानी कि YouTube चैनल, उसको लॉगिन करना है। दोस्तों वो पहले काफ़ी दफ़ा बताया, अब मैं बताऊँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो खैर वो करने के बाद आपने लिखना है studio.youtube.com, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। अगर आपका यहाँ पर चैनल लॉगिन है ना, तो खुल जाएगा। लॉगिन इतना मुश्किल नहीं है, आप क्लिक करेंगे जैसे यूट्यूब के वो दाएं तरफ पिक्चर आती है ना, वहाँ पर दबाते हो तो चैनल खुल जाता है। ये खुल गया, अब आपने यहाँ पर दबाना है, ये क्या है, अब वीडियो पर, दूसरे वाले ऑप्शन पे, ठीक है। दोस्तों ये आपकी वीडियोस आ गई। अब ये अपलोड जब आप कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे, अब यहाँ क्रोम से अगर आप अपलोड करते हैं ना, तो इस तरह का आपके सामने एक पेज आ रहा होता है। अगर आपने उस टाइम पे नहीं डाले, आप किसी पिछली वीडियो पे डालना चाहते हैं, तो इस तरह जैसे ये मैंने पहली वीडियो पे क्लिक किया, इस तरह किसी भी वीडियो पे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल जाएगा। दोस्तों जब ये खुलेगा तो नीचे लिखा हुआ है शो मोर, इस पर क्लिक करना है और ये ऊपर आए। ये मैंने पहले से ही टैग्स लगाए हुए हैं, लेकिन अब क्योंकि ज़रा मैं आपको समझा रहा हूँ तो इन सबको मैं काट देता हूँ। ये इस तरह आएगा आपके पास खाली पेज, आपने यहाँ पर दबा के रखना है,
पेस्ट पर दबाना, ये सारे टैग्स लग गए हैं। और ये सेव का ऑप्शन नज़र आ रहा है ऊपर, आपने इसको दबाना, ये सेव हो जाएगी, लेकिन मैं नहीं दबा रहा क्योंकि मैंने तो वैसे आप लोगों को समझाने के लिए बताया। अब दूसरा तरीका दोस्तों समझ ले, उसमें थोड़ा सा मसला है लेकिन वो भी बड़ा ज़बरदस्त तरीका, वो YT स्टूडियो में है। वो ये है कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल इस वीडियो के टैग्स चेंज करने हैं तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है वीडियो पर, फिर पेंसिल पर दबाना है। जैसे ही दोस्तों पेंसिल पर दबाएंगे तो आपने मोर ऑप्शन पर दबाना है, तो ये देखें पहले से मैंने लगाए हुए हैं, लेकिन आपको यहाँ पर एक एक टैग लगाना पड़ेगा। वैसे जैसे हमने वहाँ से कॉपी करके सारे उधर डाल दिए ना क्रोम में, इस तरह यहाँ पे सारे कॉपी करके नहीं डाल सकते, डालोगे तो वो सारा एक बन जाएगा, सॉरी लंबी लाइन एक टैग, तो इस तरह कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप या तो ऐसा करो जो वहाँ से कॉपी आपने किए आप क्रोम से नहीं लगाना चाहते, तो आपके पास ये कलर नोट होगा, दिखा देता हूँ ये वाला नोट्स, ठीक है। आपने यहाँ टेक्स्ट पर दबाना है, नोट्स आप डाउनलोड इंस्टॉल कर लेना प्ले स्टोर से अगर ना हो तो। ये देखो ये सारे इधर आ गए। अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ना कीमा रेसिपी, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा कीमा रेसिपी, रेसिपी लिख के कोमा लगाऊंगा, ये टैग बन गया। दोस्तों इस तरह एक एक करके लगा सकते हैं, इस तरह ज़्यादा ज़रा टाइम लग जाएगा, तो उधर से ही आप लगा लेना, लेकिन मैंने आपको इसलिए बता दिया कि आपको पता होना चाहिए। फिर आपने क्या करना, बैक पर दबाना और यहाँ सेव पर दबाना और ये सेव हो जाएगा। मैं नहीं कर रहा क्योंकि मैंने पहले से लगाए हैं, ज़रा वो मेरे रिलेटेड नहीं है। तो दोस्तों इस तरह आप टैग्स लगा सकते हैं, इससे क्या होगा कि आपकी वीडियो लोग जैसे भी सर्च करेंगे आपकी वीडियो सर्च में जाएगी। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।